सब्सक्राइब कीजिए रोचक फैक्ट्स, बेल आइकन दबाइए और जाने रोचक बातें। चंदेरी का युद्ध। चंदेरी का प्रसिद्ध युद्ध 6 मई 1529 ईस्वी को मुगल बादशाह बाबर एवं राजपूतों के मध्य लड़ा गया था। चंदेरी का प्रसिद्ध दुर्ग मेदनी राय के अधिकार में था। बाबर ने मेदनी राय पर धावा बोला और 20 जनवरी 1528 को वह चंदेरी पहुंचा। मेदनी राय 5000 राजपूतों के साथ किले का फाटक बंद कर दिया। नगर के सामने 230 फीट ऊंची चट्टान पर चंदेरी का दुर्ग बना हुआ था। यह स्थान मालवा तथा बुंदेलखंड की सीमाओं पर स्थित होने के कारण से महत्वपूर्ण था। बाबर ने मेदनी राय के सामने जागीर लेकर किले को सौंप देने का प्रस्ताव किया, परंतु उसने संधि करने से मना कर दिया। इसी समय पूर्व से खबर मिली कि अफगानों ने शाही सेना को पराजित कर दिया है, जो लखनऊ छोड़कर कन्नौज लौटाने के लिए विवश हुए। इस समाचार को सुनकर बाबर घबराया नहीं, बल्कि उसने किले का घेरा जारी रखा। उसने किले पर चारों ओर से इतनी जोर का हमला किया कि राजपूतों ने निराश होकर जौहर किया और वीरता पूर्वक लड़कर सब के सब वीरगति को प्राप्त हुए और किले पर बाबर का अधिकार हो गया। इसी बीच 30 जनवरी को महाराणा सांगा का देहांत हो गया और निकट भविष्य में राजपूत शक्ति के पुनरुत्थान की रही सही आशा भी जाती रही। विद्रोही अफगान सरदार दबा दिए गए और सन 1528 के अंत तक बाबर ने शांति का उपभोग किया। बाबर की कई जीतों के बाद भी अभी अफगानों के उद्रेकों का अंत नहीं हुआ था। इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी ने बिहार को जीत लिया था और पूर्वी प्रदेशों के एक बड़े भाग ने उसका साथ दिया था। बाबर ने इस विद्रोही के विरुद्ध एक सेना के साथ अपने पुत्र अस्कारी को भेजा और पीछे स्वयं भी गया। इस सूचना को सुनकर कि बाबर आ रहा है, शत्रु तीतर बीतर हो गए। जब वो इलाहाबाद, चुनार और बनारस होते हुए बक्सर जा रहा था, तब बहुत से अफगान सरदारों ने उसकी अधीनता स्वीकार की। अपने प्रधान सहयोगियों द्वारा प्रत्यक्त होकर महमूद ने बंगाल में शरण ली। बंगाल के शासक नुसरत शाह ने बाबर से मिल दिखाया था, लेकिन उसकी सेनाओं भागे हुए अफगान विद्रोहियों को शरण दी थी। बाबर बंगाल की ओर बढ़ा। उसने अफगानों को 6 मई 1529 को घाघरा की प्रसिद्ध लड़ाई पराजित किया। बाबर की विजय लोदियों की बची खुशी आशा भी जाती रही और कई प्रधान अफगान सरदारों ने बाबर की अधीनता स्वीकार कर ली। आपको यह चंदेरी का युद्ध कैसा लगा, हमें जरूर बताएं। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।